पंजाब विच कोरोना मामले वधन करके सूबा सरकार वालों दोबारा सख्ती की गई है। मोहाली विच हर दिन 50% दुकाना बंद करने के हुक्म जारी किए गए ने। जरूरी समान तो इलावा वाली अद्धिया दुकाना हर रोज़ बंद रखने के हुक्म दिए गए ने। हालांकि इन्हों हुक्मों की पालना सोमवार को नज़र नहीं आई। मोहाली के दुकानदारों वालों इन्हों हुक्मों का विरोध भी किया जा रहा है। आर्थिक नुकसान का हवाला देंदे हुए दुकानदार इस हुक्म का विरोध कर रहे हैं। मोहाली व्यापार मंडल के जनरल सकत्तर सरबजीत सिंह पारस का आखना है कि वह इस हुक्म का विरोध करते हैं। पिछले 4 महीनों तो दुकानदार नुकसान चल रहे हैं। उन्होंने आख्या कि ठेके हर रोज़ रात तक खुले रहते हैं, कि उत्थे कोरोना वायरस नहीं होंदा। उन्होंने भी आख्या कि इस तरह बेरोजगारी वधेगी, दुकानदार सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स किवें अदा करनगे। अजिहे विच सरकार को उन्होंने बारे सोचना चाहिए है। उन्होंने भी आख्या कि जेकर जबरदस्ती दुकाना बंद करवाने की कोशिश की गई तो वह पूरे पंजाब दे विच प्रदर्शन करनगे। फेज 7 मार्केट के चेयरमैन बलबीर सिंह का आखना है कि उन्होंने शनिवार एतवार को दुकाना बंद रखिया, वो सरकार का साथ देने तैयार ने, पर 50% दुकाना बंद करने का सरकार का हुक्म सरासर गलत है।